शबनम और स्वागत है आपको मेरे चैनल में। और आप सब कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी अमेज़न हॉल। अमेज़न से मैंने कुछ कुर्ता सेट मैंने ऑर्डर की थी और ये बहुत पहले तक की थी और बहुत टाइम हो गया है मैंने जो ये रिसीव किया हुआ। और इनमें से एक कुर्ता ये जितने भी कुर्ताज हैं और वो सारे मैंने अपने सिस्टर के लिए मंगवाए थे और ये मेरे फिटिंग का नहीं है तो मैं ये पहन के तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ इसका जो फोटोज़ है वो मैं लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और इसमें आज टोटल आप लोगों के साथ 4 कुर्ताज मैं शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं यहाँ पे बात करती हूँ ब्यूटी टिप्स की, लाइफस्टाइल की, फैशन की, और बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट कर दें। मेरे पास जो कुर्ताज है वो है ये, मैं आज इसका हॉल करूँगी और थोड़ा बहुत रिव्यू भी दे दूँगी ताकि आप लोग जब इसे ख़रीदने जाओ तो कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं ये हॉल इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए कि कुर्ताज कैसे है, अच्छे हैं कि नहीं है, तो इसलिए मैं ये हॉल कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और हेल्पफुल भी होगा। तो आज की जो वीडियो है मैं स्टार्ट करती हूँ। जो मेरे पास जो फर्स्ट कुर्ता है वो ये ब्लैक कलर की कुर्ता है। सी, ये है इसका कुर्ता। अगर कपड़े की बात करें तो ये रेयन मटेरियल में है और बहुत अच्छी है ये। इसे पहनने के बाद ना आपको गर्मी नहीं लगेगी, मतलब बहुत कंफर्टेबल है ये ड्रेस जो भी है, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और आप लोगों को पता होगा कि रेयन कितना अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल देती है और गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। समर के लिए ये बेस्ट है ये कुर्ता सेट। और आज के जो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी ना कुर्ता, वो सारे समर के लिए ही है। और इसमें इसमें एक कॉलर दिया गया है, ऐसे एक कॉलर है। और इसका जो स्लीव्स है वो सारे 3/4 के यहाँ तक आ जाएगा, 3/4 इसका स्लीव्स है। और आगे से इस तरह की डिज़ाइन में दिया गया है, इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है। और बाकी सब प्लेन है, इसमें कुछ लग गया है, मतलब पहना हुआ था ना मैंने तो थोड़ा सा कुछ लग गया है। तो ये नीचे भी कुछ इस तरह का ये है पूरा कुर्ता, इस तरह का ही है। और ये सारे कुर्ता जो पहना हुआ है तो थोड़ा सा गंदा भी हो गया होगा क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले ये नहीं धोया था, मतलब एक बार पहना हुआ है ये तो। और इसका साइज है, इसका साइज मीडियम में है। और ये और इसका ब्रांड है अंजू श्री। और इसका प्राइस था कुछ 750 रुपीज़ का था इसका प्राइस। और इसके साथ एक प्लाजो भी रिसीव होती है। मुझे ये कुर्ता सेट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके साथ प्लाजो भी है, क्योंकि ये सेट में है तो प्लाजो भी इसके साथ प्रोवाइड करते हैं। तो प्लाजो कुछ इस तरह का है, इसमें इलास्टिक लगा हुआ है, आगे भी इलास्टिक है और पीछे भी है दोनों की तरफ से। तो ये अच्छी बात है कि दोनों की तरफ से इस। और जो कुर्ता में है ना, कुर्ता में जैसे प्रिंट किया गया है, ऐसे छोटे छोटे प्रिंट किया गया है, ये फॉइल प्रिंट है, तो उसी तरह से पूरे प्लाजो में भी सेम डिज़ाइन दी गई है। और ये गोल्डन कलर की फॉइल प्रिंट है। और ये मैंने इसको मेरी सिस्टर ने इसे बहुत बार पहना हुआ है और उसके और बहुत बार धोया भी है, उसके बाद भी इसका जो प्रिंट है वो नहीं गया है अच्छी तरह से, इसको मतलब किया गया है। तो ये टेंशन की कोई बात ही नहीं, इसमें किसी भी तरह का कोई ये जाएगा नहीं धोने के बाद भी। तो मैंने सिर्फ इसको एक बार ही पहना है और बाकी तो मैं मेरे सिस्टर पहनी, क्योंकि ये सारा ड्रेस जो है मेरे सिस्टर की है। मैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब मैं कभी पहन लेती हूँ। तो नीचे कुछ ऐसे है, स्ट्रेट में है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर भी नहीं है, नॉर्मल सा है। और ये था मेरा फर्स्ट कुर्ता सेट,
सेकंड जो है मेरे पास वो है ये एक मरून कलर की कुर्ता सेट है, और ये कुर्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये कुर्ता कुछ इस तरह की है, और इसका भी मटेरियल रेयॉन में ही है, और सारी कुर्ता जो है रेयॉन में ही है, और रेयॉन की कुर्ता समर के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये स्मॉल साइज की है, और ये कुसाल कुसाल ब्रांड का है, और इसका जो ये है ना डिज़ाइन, ये कुछ हाफ कॉलर में दी गई है, और ऊपर से इस तरह से बटन्स दी गई है, पोटली एक होती है ना पोटली टाइप का जो बटन्स होती को उस टाइप का ये दिया गया है, इसमें पोटली का डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ तक का डिज़ाइन है, और ये कुछ यहाँ तक आएगा इस साइड में, यहाँ तक एक सिलाई दी गई है इसमें, और इसके बाद इसका जो फ्लेयर है ना पूरा अम्ब्रेला, ये एक अम्ब्रेला का फ्लेयर का डिज़ाइन है जो ए लाइन डिज़ाइन में होता है ना, वो ए लाइन डिज़ाइन में है, और आगे से ये शॉर्ट है, और पीछे से ये थोड़ा सा लंबा है। इसका मैं फ़ोटो भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा ये किस तरह का है, क्योंकि ये मेरी बहन की फिटिंग का है तो मेरे मुझ में तो नहीं होगा, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगी पहन के। और ये स्लीव भी ये 3/4 तक ही आते हैं, और इसमें थोड़ा सा ये एक सिल्वर गोटा पत्ती का एक लेस लगा हुआ है इसमें, इसमें दो लेस लगा हुआ है, और ये कुछ इस तरह का ही है, और पूरा प्लेन है, जो बटन आगे से बटन दी गई है, और कुछ नहीं है इसमें। और ये था कुर्ता, इसके साथ प्लाजो भी रिसीव हुआ था, और प्लाजो कुछ इस तरह का है, ये है इसका प्लाजो, और प्लाजो में आगे से इसका सिर्फ प्लेन दिया गया कपड़ा में, और कुछ नहीं है इसके साथ, और पीछे से इसमें इलास्टिक दी गई है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप इसे अगर पहनेंगे इसको खोलेंगे ना थोड़ी सी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उतना कंफर्टेबल नहीं होती है प्लाजो, जो दोनों साइड से आगे से और पीछे से भी इलास्टिक होने से ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसे होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये प्लाजो भी कुछ स्ट्रेट ही है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है इसका भी, और ये भी प्लेन में ही है, और इसका भी कपड़ा रेयॉन में ही है, और इसका प्राइस था कुछ 700 रुपीज़ का, और ये था मेरा सेकंड। मेरे पास जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो है ये, एक ग्रीन कलर में है, ये एक कुर्ता, ये कुर्ता थोड़ा सा नेवी ब्लू कलर में है, और इसके साथ ग्रीन कलर का फ्लावर्स बने हुए हैं, इसमें है इस तरह का, ये भी एक रेयॉन मटेरियल में ही है, और इसका साइज है M, और इसमें भी हाफ कॉलर दी गई है, और आगे से ऐसे थोड़ा सा खुला हुआ है, और बाकी सब में ये पूरा नीचे तक इस तरह से बटन दी गई है, इस तरह से बटन दी गई है, और ये जो बटन दिए गए हैं ना ये इसे खोल नहीं सकते, ये फेक है, मतलब कि ऊपर से बटन डिजाइन के लिए दिए गए हैं, और ये ओपन नहीं होते, इसमें सिलाई लगी हुई है, और इसका स्लीव है 3/4 यहाँ तक ही आएगा इसका स्लीव भी, और इसमें एक बॉर्डर लगी हुई है ग्रीन कलर का बॉर्डर लगी हुई है, और बाकी सब में इस तरह से फॉइल जो प्रिंट होते हैं ना वो प्रिंट किया गया है इसमें भी, और ये कुछ ग्रीन कलर में है, और बाकी सब ये व्हाइट कलर में है, जो साइन करते थोड़ा थोड़ा उस टाइप का है, और ये स्ट्रेट कुर्ता है इस तरह से, नीचे तक ये इस तरह से बटन छाते हैं, और पीछे आगे से जिस तरह की डिज़ाइन दी गई है पीछे से भी उसी तरह की डिज़ाइन दी गई है, इसके साथ प्लाजो रिसीव हुआ था, और वो प्लाजो है ये पूरा ग्रीन कलर में है, इसका जो स्लीव में जो बॉर्डर दिए गए थे ना उस कलर में ही प्लाजो है, प्लाजो ग्रीन कलर में है, और इसमें अच्छी बात है कि ये आगे से भी इलास्टिक दी गई है, और पीछे से भी इलास्टिक दी गई है, और नीचे कुछ इस तरह की है, और नीचे
प्लाजो के एकदम नीचे इस तरह के बॉर्डर दिए गए हैं जो कुर्ता के डिज़ाइन में थे ना, कुर्ता के जो कलर थे उस कलर में यहाँ पे बॉर्डर दिए गए हैं ताकि ये मैचिंग सा हो और ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये कुछ जो याद नहीं होता है तो मैं लिख लेती हूँ, और इसका ब्रांड है कुछ मनहारी, इसका ब्रांड है मनहारी और इसका प्राइस है 700 रुपीज़। और ये था मेरा थर्ड कुर्ता सेट। नेक्स्ट कुर्ता सेट है मेरे पास ये, और ये कुर्ता आप लोगों ने मुझे देखा होगा पहने हुए, मैंने मेरे वीडियोस में मैंने इसको पहना हुआ है पहले से ही। और इस ये कुर्ता कुछ और इस तरह का है, ये एक मेहंदी कलर होते हैं ना उस टाइप का कलर है। मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है कि इसका ओरिजिनल नाम मतलब कलर का नाम क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि थोड़ा सा मेहंदी कलर का जैसा है। और ये कुछ इस तरह की है, और ये रेयन और कॉटन की जो मिक्स होते हैं ना उस मटेरियल में है। और इसका ये इसका साइज है 30A, और मैं इसको सिलवाया गया है क्योंकि इसको मतलब ऑल्टर करना पड़ा, ये थोड़ा सा बड़ा था साइज में। ये राउंड सेप में है और गले की इस यहाँ तक आते हैं ये। और इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत है, इस तरह के फॉइल प्रिंट की गई है और शाइन करते थोड़ा बहुत इसका भी ये, और बीच में भी थोड़ा थोड़ा दिया गया है आप लोग इस तरह की डिज़ाइन की, और पीछे से भी इस तरह की डिज़ाइन में ही है ये। और इसका ब्रांड कुछ था जयपुरी ट्रेड्स, इसका ब्रांड है जयपुरी ट्रेड्स। बहुत खूबसूरत है ये कुर्ता, इसका जो स्लीव है ना ये स्लीव लेस था, इसमें सब कोई स्लीव नहीं था। तो मैंने इसका जो प्लाजो था, प्लाजो थोड़ा बड़ा था साइज में, तो प्लाजो को काट के मैंने हाथ में इस तरह की स्लीव बना दिया था इस तरह से, क्योंकि कभी कभी अच्छा नहीं लगते कुछ ड्रेस में स्लीव लेस होने से, तो इसलिए मैंने इस तरह की स्लीव बना दिया था। ये भी एक स्ट्रेट कुर्ता है, और इसका इसके साथ जो प्लाजो रिसीव हुआ था वो है ये इस तरह के, आगे से और पीछे से दोनों तरफ से इलास्टिक दी गई है, और इलास्टिक की जो क्वालिटी है वो सारी कुर्ताज में बहुत अच्छी है। और इस तरह की डिज़ाइन बनी हुई है, पूरा नीचे तक की डिज़ाइन बनी हुई है, और स्ट्रेट है दोनों ही प्लाजो, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने अभी जितने भी कुर्ताज दिखे हैं दिखाए ना वो सारे कुछ 700 या 750 रुपीज़ का ये, और ये कुर्ता सेट का प्राइस है 550 रुपीज़ का, और बाकी सब 700 का था और एक 750 रुपीज़ का था। और सारी कुर्ता समर के लिए बहुत अच्छी है, और ये वीडियो बिल्कुल ही स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद की पैसे से ख़रीदा हुआ है, तो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और अगर आप लोगों को ये सारी कुर्ताज पसंद आया हो, लेना चाहते हो, तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि बाद में वैसे भी आप लोग पूछते ही है कि मुझे लिंक्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं इसका जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और आप लोग मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मेरी ये चारों कुर्ताज में आप लोगों को कौन सा कुर्ता सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। और यही था आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे। बाय बाय।